लिखने का शौक है, लिखने का शौक है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। कैसी बातें करता हूँ यार मैं कभी कभी। लिखने का शौक है और एक कंपनी आपको लिखने का, मैं पर वर्ड की बात कर लेता हूं पहले यार, कि कंपनी कह रही है कि अगर यहाँ पे आप एक वर्ड लिखेंगे, यानी कि जैसे आपने लिख दिया कि आई, आई आपका एक वर्ड हो गया, एक वर्ड आप लिखोगे तो 40 पैसे आपको मिलेंगे। अब ये मत सोचो यार कि 40 पैसे, भाई एक वर्ड का 40 पैसे यार। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आप लिख दो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, 5 वर्ड हो गए, कितना पैसा हो गया सोचो, 2 रुपए हो गए, क्योंकि 40 पैसे एक के मिल रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे, तो 5 वर्ड के 2 रुपए आपको मिल रहे हैं, क्या बुरे हैं? नहीं। और कंपनी भी जेनुअन है। अब कंपनी यहां पे कहती है कि अगर इसको लमसम में अगर वो कैलकुलेट करे तो 150 से 200 रुपए आपको एक आर्टिकल के मिल जाता है, यानी कि एक आर्टिकल में क्या होता है 500 से 800 वर्ड्स, यानी कि 2 पेज मान लो आप, ये आप 2 पेज लिख रहे हो तो आपको 150 से 200 रुपए के बीच में मिल जाएंगे घर बैठे बैठे। तो क्या ऐसा काम करना चाहोगे? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। भाई काम करना चाहोगे तभी तो ये वीडियो आप देख रहे हो। भाई मेरे चैनल पे देखो, मैं फेक ऐप के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो जो लोग ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हो यार कि ऐप से इंस्टेंट पैसे मिल जाएंगे, ये ऐप को डाउनलोड करो, गेम खेलो और पैसा आ जाए, पैसा ही पैसा हो, वो तो इस चैनल पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं ऐसी किसी ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा। सीधी सी बात है, मेरा मोटिव यहां पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, बताऊंगा जेन्युइन चीज। अब जो लोग ये सोच रहे हैं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने, भाई उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यार ईमानदारी का पैसा चाहते हैं, यानी कि खुद की मेहनत का पैसा चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लगना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना, तो फिर टेंशन किस बात की। अप्लाई करने में मुश्किल से यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जो ये कंपनी है, ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम नई नई जॉब्स देती रहती है, और इस कंपनी में बहुत लोगों की जॉब लग चुकी है। मैं अगर बात करूं सिर्फ अपने चैनल की, तो इस चैनल के थ्रू भी मैंने पहले इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत लोगों की जॉब लगी हुई है, तो आपका नंबर भी लग सकता है। देखो मैं 100% श्योरिटी कभी नहीं देता कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, भाई देखो मेरा काम है जॉब को बताना। अब जॉब किस किस की लगती है, उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको मैट करने होते हैं, आपको टेस्ट होते हैं, वो पास करने होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन मैट करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो इस जॉब के लिए होती हैं वो आपको मैट करनी होती हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं कि हम तो बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही। अरे जॉब लगेगी कैसे भाई, उस जॉब के लिए आपको उस जॉब के एबल भी तो होना पड़ेगा, आपको वो डिजर्व भी तो करना होना चाहिए। अगर आपसे डिजर्विंग लोग वहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो जॉब उनको मिल जाएगी, आपको कैसे मिलेगी, है ना? लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि आप उस जॉब के लिए डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको अप्लाई जरूर करना, क्या पता आप उस जॉब के लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसलिए बोलता हूं कि अप्लाई जरूर करो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरी वीडियो को ही देखो बस, और किसी की वीडियो मत देखो, नहीं भाई, मेरी वीडियो को देखो, अप्लाई कर लो और चैनल पे जाओ, जो जो आपको जेन्युइन जॉब्स की डिटेल्स देते हैं उन सबके चैनल पे जाके वीडियो देखो और अप्लाई करो। बहुत सारे ऐसे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको जेन्युइन कंपनी की जॉब्स बताते हैं, उनको देखो। और जो लोग आपसे ये कहते हैं कि ऐप को डाउनलोड कर लो, ये कर लो, भाई देखो ऐप से आज तक किसी को अगर पैसा मिला हो तो मुझे ही बता देना, क्या आपको पैसा मिला है? नहीं मिलता पैसा भाई। तो इसलिए रास्ता वो चुनो जो थोड़ा लंबा हो, लेकिन टाइम उसमें लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। शॉर्टकट के तरीकों में मत आना भैया, शॉर्टकट में जाओगे तो फंस जाओगे। चलो अब बात कर लेते हैं आज के इस जॉब की। जैसे मैंने बताया कि 100% जेन्युइन जॉब है, अप्लाई आपको जरूर करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर इस जॉब की पूरी डिटेल्स बताऊंगा कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप करे देखना है। साथ ही साथ
चैनल पर नए आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई स्टेप भी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और हाँ, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि पार्ट टाइम में तो आप काम ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, ढूंढते रहो और जब जॉब लग जाए तो करोगे, लेकिन आपको हर दिन 1 से 1.5 घंटा यूट्यूब को देना है, यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, एक यूट्यूबर बनना है, खुद का चैनल बनाना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको लग सकता है कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं होगा अगर आप जो मैंने चैनल शुरू किया है उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा। चैनल का नाम है QA for Earn, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो इसलिए है ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों वहां पर मैं उसे सॉल्व करूं। वहां पर मैंने स्टार्टिंग से बताया है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बताया था कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, नहीं पता कि किस तरह से चैनल बनाते हैं, तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सेकंड, मैंने अभी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको किस किस निश पे वीडियोस बनानी है, तो आपको वो निश पे ही वीडियो बनानी पड़ेगी ऑलवेज ताकि आपका चैनल जल्दी से ग्रो कर सके। अब जो वीडियो तीसरी आने वाली है वो आने वाली है कि कैसे एडिटिंग करें। ठीक है, वीडियो आपने बना ली, अब मेन जो होता है वो होता है एडिटिंग, क्योंकि सारा खेल तो एडिटिंग का है, तो किस सॉफ्टवेयर से, किस ऐप से आपको एडिट करना है। मैं किससे एडिट करता हूं, मैं लाइव आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं 2023 के अंदर, तो आपको जो चैनल है क्यूए फॉरन उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियोस को देखो। साथ ही साथ मैं आपके जो चैनल है उनको लाइव चैट भी करता हूं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं जॉब का पूरा प्रोसीजर। चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यार देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, और जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी जो जॉब है ये है कंटेंट राइटर की, फ्रीलांस की ये जॉब होने वाली है, और इसके ऊपर मैं बहुत पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बिलीव मी गाइस, 100% जेन्युइन है, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, और कंटेंट लिखना वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी मेथड से। अब देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये जॉब किसकी तरफ से निकली। देखिए, टेस्ट बुक की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे टेस्ट बुक, जो टेस्ट बुक है समय समय पर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देती है और आपको जॉब्स देती भी है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि 1.36 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 450 करोड़ से ज़्यादा क्वेश्चंस ये सॉल्व कर चुके हैं। 450 करोड़ गाइज, आप देखिए कि कितने ज़्यादा यहाँ पर जो है इंगेजमेंट रहती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि सर हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें यहाँ पे आकर पेमेंट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। पेमेंट यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0.40 पर वर्ड, 40 पैसे पर वर्ड के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा है द IT पेडिग्री ऑफ द को फाउंडर हैज, को फाउंडर से चलो मान लेते हैं। अब इसमें कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब अगर 40 पैसा पर वर्ड मिल रहा है तो 6 वर्ड का कितना हो गया, तो 6 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.40 रुपये, यानी कि सिर्फ 6 वर्ड लिखने के आपको 2.5 रुपये मिल जाएंगे। तो यार इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलने वाली जहां पर वर्ड के हिसाब से आपको जो है अमाउंट मिल रहा हो। और यहां पे देखिए, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 700 से 800 वर्ड्स की होती है, जहां पर आपको 150 से 200 रुपये पर आर्टिकल मिल जाता है, यानी कि अगर आप एक आर्टिकल लिखेंगे तो लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में आपको मिल जाते हैं, और एक आर्टिकल 700 से 800 वर्ड्स का होता है। तो अगर मैं इसको पेज में कन्वर्ट करूं तो लगभग एक दो पेज के अंदर आपका ये 700 से 800 वर्ड्स इजीली आ जाता है। तो दो पेज लिखने का आपको 200, यानी कि एक पेज अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, राइटर्स अप्स पर वीक क्या है, मिनिमम 4 to 6, यानी कि हर हफ्ते कम से कम 4 से 6 आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आर्टिकल लिखने का काम ले लिया है और आप जो है वीक में सिर्फ एक या दो ही आर्टिकल लिख रहे हैं, कम से कम 6 आर्टिकल तो आपको लिखने पड़ेंगे। नीचे आ जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। द कंटेंट राइटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक एंड कंपेलिंग कंटेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सोशल, मोबाइल एंड डिजिटल चैनल्स। तो इसके लिए ये कंटेंट लिखते हैं कहाँ कहाँ के लिए, जो मैंने बताया सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल के लिए, डिजिटल चैनल्स के लिए। कंटेंट राइटिंग
फॉर ऑफ पेज लाइक बिल्डिंग एंड एग्जाम नोटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द एरियाज एंड टॉपिक्स रेलेवेंट टू टेक्स्ट बुक टारगेट ऑडियंस, उनके लिए जो टारगेट ऑडियंस होती है उसके लिए काम करते हैं, कन्विंस राइटर एंड डिलीवर कंप्लेनिंग ऑन बोर्ड एक्शनेबल एंड कॉन्टेंट। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। डिजायर्ड स्किल की हम बात कर लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, एंथुसियाज्म टू क्रिएट क्वालिटी एंड मीनिंगफुल कंटेंट। आपको जो कंटेंट लिखना होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। देखिए, कोई आपको पैसा क्यों देगा, अगर आप सही कुछ लिखेंगे, कोई उसका कोई लॉजिक होगा तभी वो उस कंटेंट का आपको पैसा देगा। तो आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। एक्सलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपके अंदर रिटन और जो आपका वर्बल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ प्रूवन एबिलिटी टू राइट फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेशन इन ए टीम एनवायरनमेंट एंड वेल क्रॉस फंक्शन टीम्स। तो ये ठीक है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि हो जाती हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, अब क्योंकि ये सारा काम देखिए फुली रिमोट है, यानी कि घर बैठे बैठे आपको काम करना है। उससे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर आखिर आपको कंटेंट लिखना कैसे होगा। बहुत लोगों के डाउट होता है कि कंटेंट सर हम लिखेंगे कैसे, कोई क्या कंपनी हमें टॉपिक देगी। जी बिल्कुल, कंपनी आपको टॉपिक देती है कि इस टॉपिक पे आपको लिखना है, तो आपको उस टॉपिक पे लिखना होता है। अब लिखना कैसे देखिए, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा टूल बताता हूँ जिसका नाम है चैट, ओपन चैट जीपीटी। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आपको ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है, गूगल पे जाना है, ट्राई जीपीटी आप लिखेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको अकाउंट बना लेना है, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए मुझे किसी भी टॉपिक पर लिखना है, मान लीजिए मैं अगर टॉपिक पर लिखता हूँ कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा How to earn from YouTube। यहां हम इसको कमांड देंगे राइट, मान लो हम यहां पे 800 वर्ड्स लेते हैं, 800 वर्ड्स अबाउट हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube। अब मैंने एंटर मार दिया। अब आप देखिए कि आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपको सारी डिटेल्स लिख के दे देगा। जी हाँ, चैट जीपीटी का फायदा यही है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लिख के दे देता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, उस आर्टिकल को सिंपली आपको कंपनी को भेज देना होगा, दैट्स इट। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और इस कॉपी पेस्ट करने के आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अगर एक आर्टिकल की बात करूँ, मान लीजिए ये आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, तो इसी आर्टिकल का आपको 100 से 150 से 200 रुपये मिल जाने हैं, और आपका टाइम कितना लगा, हार्डली आपका 3 से 5 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसीजर को करने में। तो 3 से 5 मिनट के अंदर आप लगभग 150 से 200 रुपये कमा लेंगे घर बैठे बैठे, और कंपनी भी 100% चेयर होंगे। तो देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सारा कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना होगा जहाँ भी कंपनी आपको बोलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया तरीका कि यहाँ पर काम कैसे करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई का ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली इस अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सप्लाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। अब देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे ही जो भी आपका ये सारा पेजेस है, उसके नीचे ही देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, नीचे फोन नंबर डालना है, और सबसे जो मेन है वो है आपका रिज्यूम। अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिज्यूम आपको जरूर सबमिट करना है। अगर आपका अच्छा रिज्यूम नहीं है या आपका काफ़ी पुराना रिज्यूम है, तो उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आपको बहुत सारी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे कि रिज्यूम को कैसे अपडेट करना है। उस पर आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है फाइल को, और यहाँ पे चूज फाइल में जाके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, आपका जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको शॉर्टलिस्टेड जब आप हो जाते हैं, तो आपको मेल आती है। उस मेल के बाद फिर आपको काम समझाया जाता है, आपको बताया जाता है किस तरीके से काम होगा। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको यहाँ से काम मिलना शुरू हो जाएगा, आप आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे, तो उसका पैसा आपको कैसे मिलेगा। अब देखिए, जो आपको पैसा मिलेगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, क्योंकि जो भी कंपनी की अगर आप कोई काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी होती हैं, वो तब होता है जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट्स वहाँ पे देते हैं, तो जो भी आपका पैसा बनता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाता है। तो
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काम बहुत इजी है, अभी से अभी यार अप्लाई जरूर करना है। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको कोशिश करी कि डिटेल्स में बता सकूँ किस तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मेथड बहुत सिंपल है और टेक्स्ट बुक का जो ये जिसे हम कहते हैं वेबसाइट है या कंपनी है, ये बहुत जेन्युइन है, बहुत लोगों को यहाँ से जॉब मिल चुकी है, तो आपको भी मिल सकती है अगर आप जो वहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से इस फॉर्म को भरते हैं और वहाँ पर जो भी क्राइटेरिया उनको मैच करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको अप्लाई जरूर करना है। ये नहीं सोच रहा कि यार मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और जैसे मैंने बताया कि एक घंटा रोज आपको यूट्यूब पे देना है, वीडियो बनानी है, तरीका मैंने आपको बताया चैनल कैसे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले टाइम में कि किस तरीके से आपको वीडियो को सर्च करना है, यानी कि किस टॉपिक को वीडियो कैसे बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्यूए फॉर अर्न उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है और वहां पर अपने कमेंट जरूर लिखने हैं। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड के साथ। तब तक अपना और अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।